वाले हैं वो है ट्रीटी ऑफ मदीना। ट्रीटी ऑफ मदीना जो है वो साइन की गई थी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जूस ने, मतलब आपस में एक फ्रेंडशिप रिलेशन था जो कि वो दोनों ने साइन किया था। इसमें ये पहला पॉइंट ये था कि जूस और मुस्लिम जो है वो पॉलिटिकली वन नेशन है, और अगर कोई भी मदीना को इन्वेड करता है तो वो ज्वाइंटली डिफेंड करेंगे उसको, और जूस और मदीना जो है वो किसी को भी रिफ्यूज नहीं देंगे कुरैश को, जो मतलब कुरैश को रिफ्यूज नहीं देंगे, और उनकी जो कुरैश की जो एलाइज है मतलब उनके जो दोस्त हैं उनको भी रिफ्यूज नहीं देंगे, मतलब कुरैश को और उनके दोस्तों को रिफ्यूज नहीं देंगे, मतलब मदीना में आने नहीं देंगे क्योंकि वो मुसलमानों के दुश्मन थे। और एक और पॉइंट है कि अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, मतलब या फिर डिस्प्यूट होता है इन दोनों पीपल के दरमियान, तो डिसीजन जो होगा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फाइनल रिलेशन होगा। और अटैक के कोई भी अटैक केस होगा, अटैक के केस में ज्यूस और मुस्लिम जो हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे, और सारे पीपल मदीना के जो हैं वो एक साथ मिल के जितनी भी चीज़ें खर्चा होगा बैटल्स के लिए वो सब और शेयर करेंगे, और जो भी उससे बेनिफिट होगा वो भी शेयर करेंगे। मर्डर और किलिंग मदीना में जो थी वो प्रोहिबिटेड थी, मतलब मर्डर और किलिंग जो थी वो मना कर देगा था, कोई किसी का मर्डर नहीं करेगा, कोई किसी की किलिंग नहीं करेगा। और जूस और मुस्लिम जो थे वो फ्री थे कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते।